वहीं गरियाबंद जिले के 5 ब्लॉक में मौजूद मिनी स्टेडियम शराबियों का अड्डा बन चुका है। बता दें कि प्रैक्टिस करने की एकमात्र जगह मिनी स्टेडियम में वर्कआउट करने से पहले भविष्य के होनहार खिलाड़ियों को शराब की बोतलें, टूटे कांच और डिस्पोजल उठाकर बाहर फेंकना पड़ रहा है। दरअसल स्टेडियम में 6 महीने पहले लगाया गया हाई मास्ट आज तक जलना शुरू नहीं हुआ। खिलाड़ी और पुलिस सेना में भर्ती की तैयारी में लगे युवा सिंगल टाइम प्रैक्टिस करते हैं और शाम ढलते ही सुनसान अंधेरे में तब्दील स्टेडियम शराबखोरी का अड्डा बन जाता है। ये तो केवल एक बानगी है। जिले के सभी मिनी स्टेडियम में लगाए गए हाई मास्ट लाइट सफेद हाथी साबित हो गए हैं और इस मामले में जिम्मेदार अफसर काम को पुराना बताकर जल्द ही सभी व्यवस्था के लिए फाइल चलाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। गरियाबंद से फारूक मीमन की रिपोर्ट। हम लोग जब सुबह आते हैं तो पहली बात तो है कि इस मैदान में हम लोग 6 महीना से कर रहे हैं, लेकिन लाइट बिल्कुल जलते नहीं है। यहाँ जो बड़ा वाला लाइट लगा है वो, और क्या बोलते हैं, जब हम लोग मैदान में आते हैं तो वही है शराब का जो बॉटल है और जो भी खाया पिए रहते हैं वो पूरा इधर उधर पड़े रहते हैं। हम लोग मतलब हर रोज़ सुबह साफ झाड़ू वाड़ू करके साफ वाफ करते हैं और मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं यहाँ, और पीते हैं और शराबी लोग ऊपर से और बॉटल को फेंक दे रहते हैं मैदान में, जैसे क्या बोलते हैं, तोड़ दिए रहते हैं। हाँ, तोड़ दिए रहते हैं। और लंबी कूद ऊँची कूद करने के लिए रेत रखे हैं तो उसमें पत्थर लगा के बोतल को फोड़ दिए रहते हैं, मतलब उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी है। रात को अगर सुविधा मिले तो यहाँ नशा पत्ते सब बंद हो जाएगा, अभी नहीं मिल रहा है वैसा सब। लाइटें नहीं जलती, कोई नहीं जलता अभी कुछ, अभी तो तीन चार महीना हो गए मैं देख रहा हूँ यहाँ लाइट नहीं जल रहा। जो हम यहाँ पुलिस इंटरव्यू के लिए दौड़ने के लिए आते हैं तो लाइट नहीं जलता है और पूरा कचरा फैले रहता है। पानी पीने के लिए नल भी लगा नहीं है,